हेलो एंड वेलकम टू माया पुरिकट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। सो लेट्स बिगिन। भारतीय सिनेमा के जाने माने एक्टर, निर्देशक और निर्माता फरहान अख्तर ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। जी हां, इस फिल्म का नाम 120 बहादुर रखा गया है। रजनीश रजी घई के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में फरहान लीड रोल में नजर आने वाले हैं। 120 बहादुर भारत चीन युद्ध पर बेस्ड फिल्म है, जिसमें फरहान मेजर शैतान सिंह पीवीसी के किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म से उनकी पहली झलक भी सामने आ चुकी है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। थलापति विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म गोट के लिए तमिलनाडु में मॉर्निंग शो के लिए याचिका दायर की गई है। फिलहाल इसका फैसला आना भी बाकी है, लेकिन इससे उम्मीद की जा रही है कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआती बढ़त मिल सकती है। दिलचस्प बात तो ये है कि गोट का कोई ग्रैंड प्री रिलीज इवेंट नहीं हुआ है। आपको बता दें कि गोट सिनेमाघरों में 5 सितंबर को रिलीज होगी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल इन दिनों US में हनीमून मना रहे हैं। वहीं सोनाक्षी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो और जहीर स्लिंग शॉट राइड एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कपल को ऊंचाई पर जाते और फिर नीचे आते देखा जा सकता है। वीडियो शेयर करते हुए सोनाक्षी ने एक लंबा सा कैप्शन भी लिखा और एक्ट्रेस ने कहा कि प्यार में क्या क्या करना पड़ता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। दोनों राज्य में बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ सुपरस्टार प्रभास ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहत कोष में 1-1 करोड़ रुपए राशि दान की है। सिर्फ यही नहीं, अल्लू अर्जुन ने भी इस राहत कोष में 1 करोड़ रुपए का दान किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर संकट मंडराया हुआ है। ये फिल्म पहले 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से इसकी रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि फिल्म की रिलीज में 1 हफ्ते की देरी से कोई भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस जरीन खान और उनके बॉयफ्रेंड शिवाशीष मिश्रा का ब्रेकअप हो चुका है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक जरीन खान और शिवाशीष मिश्रा इस साल फरवरी या मार्च में अलग हो गए थे। अलग हुए एक्स कपल के एक करीबी दोस्त ने उनके ब्रेकअप की पुष्टि की है और शेयर किया है कि उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया था। वहीं अब दोनों ने इंस्टा हैंडल पर भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने हाल ही में मुंबई के अंधेरी में अपना कमर्शियल ऑफिस स्पेस डायरेक्टर कबीर खान को किराए पर दिया है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक कबीर खान इस प्रॉपर्टी के लिए 7 लाख रुपए हर मंथ रेंट में देंगे। बता दें कि 60 महीने की लीज के लिए उन्होंने 30 लाख रुपए का डिपॉजिट भी जमा किया है। सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिलने की देर के कारण कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पोस्टपोन हो गई है। वहीं इन सब विवाद पर अब विवेक अग्निहोत्री ने सेंसरशिप के खिलाफ अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट शेयर किया है। इसमें फिल्मों के सेंसरशिप पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा कि सेंसर करना है तो टीवी डिबेट्स, न्यूज प्रोग्राम, पॉलिटिकल स्पीचेस और धर्म से जुड़े उपदेशों पर करें, क्योंकि ये नफरत फैलाते हैं। अपनी खूबसूरती के लिए पॉपुलर सनी लियोनी ने हाल ही में एक ऐसी तस्वीर शेयर की है, जिसे देख अच्छे अच्छों के होश उड़ गए हैं। जी हाँ, सनी की इस तस्वीर में उनका चेहरा पूरा बिगड़ गया है और वो खून से लथपथ नजर आ रही हैं। उनके पूरे चेहरे से खून भी टपक रहा है। अब इस फोटो के शेयर करने के साथ ही सनी ने कैप्शन में पुष्पा फिल्म का फेमस डायलॉग "ये खून ही मेरा ब्रांड है" लिखा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल मलाइका अरोड़ा का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सभी को फिटनेस गोल्स देती नजर आ रही है। वायरल वीडियो में मलाइका को एक फुल स्लीव क्रॉप टॉप के साथ बैगी डेनिम पैंट्स पहने देखा जा सकता है, जिसमें मलाइका बेहद ही खूबसूरत लग रही है। वहीं कमेंट सेक्शन में अब नेटिजंस ने मलाइका की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। आज के लिए मायापुरी टॉप 10 में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी के साथ जुड़े रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।